मध्य प्रदेश के खंडवा में मोगट पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हम आपको बता दें कि गांजे की सूचना लगते ही मोगट पुलिस ने दो टीम तैयार की, जिसमें से एक टीम लाल चौकी से दो लोगों को गिरफ्तार कर थाने में लाया गया। वहीं एक टीम ने रामेश्वर टेकड़े से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं मोगट पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। हम आपको बता दें कि मोगट पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलते ही अलग अलग जगह से पुलिस ने गांजे तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें मोगट पुलिस की टीम की बड़ी सफलता रही। तीन आरोपियों से हम लोगों ने 2.5 किलो गांजा जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो लड़के जो है एक मोटरसाइकिल पर काले बैग में गांजा लेकर खानसाली तरफ जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम लोगों ने लाल चौकी के पास में घेराबंदी करके दो आरोपी को पकड़ा है, जिनके नाम है समीर मंसूरी निवासी खानसेवाली और दूसरा है राजकुमार पवार निवासी मलगांव का। इन दोनों के कब्जे से हम लोगों ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसी प्रकार से दूसरी टीम ने आज दिनांक को रामेश्वर क्षेत्र में आरोपी मुकेश के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। तीनों आरोपियों से कुल मिलाकर 2 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। इन दोनों कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राजन सेदे, ASI रमेश मोरे, ASI इंद्रजीत पवार चौहान, आरक्षक राहुल, आरक्षक अनुराग, प्रधान आरक्षक नितिन, आरक्षक अजय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्रवाई जो है थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में की गई है।